जेड ड्रैगन की गाइस आर्मी 34 जेड ड्रैगन की आर्मी सिर्फ एक स्टार बढ़ाने के लिए मेरे मेन जेड ड्रैगन के ऊपर सैक्रिफाइस हो रही है गाइस। फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और न्यू ताबड़तोड़ गेम प्ले के साथ। तो आज के गेम में गाइस हम करने वाले हैं अपने जेड ड्रैगन की आर्मी को इनक्यूबेट, बोलो तो जेड ड्रैगन की पूरी आर्मी निकालेंगे और गाइस उस आर्मी में से जो जेड ड्रैगन कमजोर पैदा होंगे उनको भाई सैक्रिफाइस कर देंगे अपने मेन जेड ड्रैगन की पावर बढ़ाने में। हालांकि यार बहुत ज्यादा यार मतलब जेड ड्रैगन लग जाएंगे उसकी पावर बढ़ाने में, लेकिन कोई बात नहीं गाइस सारे जेड ड्रैगन जो है अच्छे निकलने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रॉस्टिलियन की भाई साहब ब्रीडिंग और आर्मी बना चुके हैं जिसमें से गाइस मिनिमम गाइस मतलब 10 या 12% जेड ड्रैगन मतलब फ्रॉस्टिलियन ऐसे हमारे निकले थे जो कि पावरफुल थे, तो उनको हमने रोक लिया और उनका लेवल अप कराने में लगे हैं। तो लगभग उनका भी लेवल अप हो चुका है और आज हम निकालेंगे गाइस जेड ड्रैगन की आर्मी। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं अभी लड़ने आया हूँ ओजाक से और फ्रॉस्टिलियन की भाई सब जो है लड़ते लड़ते थोड़ा सा लेवल अप भी होता रहेगा। एंड गाइस उधर जो हमारी ब्रीडिंग चल रही है गाइस लगभग ब्रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ और एग है मतलब 10-15 एग और हमको चाहिए हैं और जिसके बाद गाइस हम जो है जेड ड्रैगन की आर्मी को करेंगे भाई साहब ओपन और गाइस उससे बनाएंगे अपना एक मेन वाला जो है पावरफुल मतलब जेड ड्रैगन। तो गाइस जेड ड्रैगन और फ्रॉस्टिलियन में मैंने आपको पहले भी डिफ्रेंशिएट कर ही दिया था कि हालांकि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो भाई ग्राउंड टाइप कोई भी पोकेमोन हो उसके लिए फ्रॉस्टिलियन गॉड लेवल है भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर कहीं फ्लाइंग टाइप सामने एनिमी है फ्रॉस्टिलियन के तो फ्रॉस्टिलियन वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है बिकॉज उसके दो अटैक जो है वो नहीं लगते हैं, एम्प्टी चले जाते हैं जिसके चलते यार वो इतना ताकतवर नहीं रहता, सिर्फ एक ही अटैक लगता है भाई साहब, बाकी का अटैक उसको जो है मिस हो जाते हैं जिसके चलते यार फ्लाइंग पोकेमोन के ऊपर पाल के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं है अपना फ्रॉस्टिलियन। लेकिन जेड ड्रैगन हालांकि फ्रॉस्टिलियन जितना मतलब एनर्जी भरा और मतलब बोले तो अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे कमज़ोर है 20-25% फ्रॉस्टिलियन से, लेकिन गाइस उसका अटैक एक भी मिस नहीं होता है जेड ड्रैगन का, टोटल के टोटल अटैक उसके टारगेट पे जाके लगेंगे बिकॉज उसके जो भाई साहब टारगेट है ना वो यार लाइक दैट जैसे कि आप मतलब आर्मी में मिसाइल्स वगैरह आप नहीं होती हैं हीट के ऊपर चलती हैं सेंसर के ऊपर चलती हैं भाई, एक बार बस आपको एंड मतलब अपना टारगेट लॉक करना है एंड बूम गाइस टारगेट पे जा करके ही लगेंगे, बहुत रेयर है कि मिस हो जाए। तो शायद मैं नंबर तो देने वाला हूँ गाइस मतलब ग्राउंड टाइप के लिए तो भाई साहब फ्रॉस्टिलियन गॉड है, उसका कोई मुकाबला नहीं किसी से भी, लेकिन वहीं अगर बात करें फ्लाइंग टाइप के जैसे कि ऑर्सैक है गाइस ग्राउंड टाइप है, तो इसके लिए भाई साहब फ्रॉस्टिलियन भाई साहब आप 25-30 लेवल का भी ले आओगे ना उठा करके तो भाई वो भी इसको टक्कर देगा ताबड़तोड़ वाली, 50 लेवल की तो बात ही खत्म कर देते हैं। अभी भी देख लो मेरे 44 लेवल के फ्रॉस्टिलियन भाई साहब इनकी हालत ही खराब कर रखी है ऑर्सैक की, 1.5 लाख HP की और गाइस इसके अटैक बहुत धुआंधड़ वाले हैं, लेकिन फ्रॉस्टिलियन जो भाई बहुत इफेक्टिव है, इसके अटैक आप लोग देख सकते हैं 1700, 1800, 1900 का अटैक दे रहा है इतना लो लेवल पे भी। लेकिन गाइस यहीं पर ऑर्सैक मतलब अपना जो अगर बोले तो फ्लैरिस या कोई भी उड़ने वाला पोकेमोन होता तो यहाँ पर हमारा फ्रॉस्टिलियन कमजोर पड़ जाता है बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया किस वजह से। तो गाइस यहाँ पर हम अपने लेवल अप कराने हैं, ब्रीडिंग की बात करें ब्रीडिंग चालू है, ब्रीडिंग करने में मतलब कोई भी अभी इस समय कमी नहीं है भाई साहब, अंडे केक मैंने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं और गाइस जल्दी ही मैं आपके लिए एक ऐसे मतलब एपिसोड पाल बढ़ के लेके आने वाला हूँ कि आप लोग शॉक्ड होने वाले हो। तो फिलहाल के लिए आज के एपिसोड में तो प्रॉपर हम आर्मी बनाएंगे जेड ड्रैगन की और भाई साहब इनक्यूबेट करेंगे कंबाइन करेंगे ताकतवर बनाएंगे, तो सब कुछ करने वाले हैं हम जेड ड्रैगन के ऊपर ही। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो में बने रहें स्किप मत करें, अगर अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और लाइक के बटन को दबा दो, बेल आइकन को कर लो दबा के ऑल पे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। एंड गाइस आप लोग भी कॉम्बिनेशन बताया करो किसकी किससे ब्रीडिंग कराया जाए जिससे पावरफुल पाल बाहर आए। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी मैं बात करता हूँ इस गेम की, तो यहाँ पर हम ऑर्सैक को हरा करके अपने ब्रीडिंग फार्म पे जाएंगे एंड गाइस वहाँ पर अंडे वंडे जितने भी होंगे उनको इकट्ठे करके भाई इंक्यूबेशन में डाल देंगे और मैंने इंक्यूबेशन का टाइम गाइस जीरो कर दिया है बिकॉज हमको आर्मी बनानी है, तो भाई अगर मैं उसका टाइम जीरो नहीं करूँगा तो भाई 2 साल लग जाएंगे मुझे आर्मी ही निकालने में, तो इसलिए मैंने जीरो कर दिया। लेकिन गाइस यार केक बनने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, तो भाई केक बनाने के लिए गाइस मैं अपने 2 फार्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर केक बनता है गाइस एंड केक बनने में जितना वक्त लगता है लगता है और ब्रीडिंग करने में जितना वक्त लगता है, बाकी अपना जो इंक्यूबेशन में टाइम बिल्कुल ही जीरो कर दिया है एंड जिससे कि जो है हमारे जल्दी जल्दी अंडे इंक्यूबेट मिले हैं हमको, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जैसे कि ब्रीडिंग एंड केक बनने में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है ज़्यादा वक्त जितना लालच करोगे उतनी बेकार है, तो थोड़ा मज़ा भी रहना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर गाइस देख लो और से लगभग मारा जा चुका है एंड गाइस मैं बात कर रहा था नेक्स्ट एपिसोड किस टाइप के होंगे, तो मैं बता दूँ है नेक्स्ट एपिसोड जो अपने आएंगे वो आएंगे गाइस जो अपनी मतलब भाई एक एक लेवल के वो अंडे देने वाली पिकाचू क्या कहते हैं उसको मतलब मुर्गी है एंड जो
ऊपर एक लेवल के लैम्बॉल हैं, मतलब इनको मैं इनका लेवल अप करूंगा एंड गाइस इनसे पकड़ूंगा बॉस पोकेमोन। मुझे नहीं पता गाइस ये मतलब इतने इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, हालांकि बहुत क्यूट पोकेमोन है, लेकिन लेवल अप करने के बाद मे बी आई थिंक थोड़ा सा पावर आ जाए। एंड गाइस हो सकता है कि ये छोटे मोटे बॉस को 20-30 लेवल तक के बॉस को हराने में सक्षम हो, मुझे नहीं पता। मैं फिलहाल के लिए यार मेमोरस से हराना चाहता हूँ गाइस, मेरा ड्रीम है। मैंने देखा भी कई यूट्यूबर भाई जो है मेरे भाई, उन्होंने मेमोरस को लैम्बॉल और भाई उसी मुर्गी से हराया भी है, तो भाई मैं भी करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में ही करने की सोच रहा हूँ। और हाँ गाइस मैंने कुछ ऐसे भी पकड़े हैं ह्यूमन जैसे कि मैं हूँ भाई, मतलब आर्टिफिशियल बोलो AI, मतलब AI ह्यूमन बोलो इन गेम, कोई मतलब ऑफलाइन गेम में AI ह्यूमन ही होंगे ऑब्वियसली। मैंने ऐसे 3 पकड़ रखे हैं, मतलब AI ह्यूमन बोले या जो भी बोलो, जो ऐसे मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ के हो गए। शायद अभी तक मैंने किसी की भी वीडियो में नहीं देखा है ऐसा किसी ने डाला, बट मेरे पास 4 चाना गाइस और मुझे नहीं पता उनका मतलब लेके जाऊंगा लड़ेंगे कैसे। मैंने पकड़ा कैसे था मैं वो बता देता हूँ, मैंने दरअसल उनको गोली मारी थी और उन्होंने भी अपने पोकेमोन फेंके बाहर। जैसे पोकेमोन में रियल पोकेमोन में है नहीं कि मतलब पोकेमोन ट्रेनर आपस में अपने पोकेमोन चलाते हैं, सेम वैसे ही मैंने उसको एक गोली मारी, उसने भाई अपना पोकेमोन फेंक दिया बाहर। एंड भाई साहब मैं कह रहा ये क्या सीन है, मैं चकरा गया। लेकिन यार गाइस वो फाइल जो है मेरी करप्ट हो गई, मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया था वो फाइल यार मेरी करप्ट हो गई किसी कारणवश, जिसके चलते यार वो क्लिप मैं नहीं निकल पाया। अब बहुत प्यारी क्लिप यार, मज़ा आ गया था भाई, मैं तो शॉट डालूंगा उसका लेकिन नहीं बना पाया। फिलहाल के लिए मैंने उनको तो पकड़ लिया जैसे जैसे। एंड गाइस मैं दिखाऊंगा एक एपिसोड उनके ऊपर भी लेके आऊंगा वो करते क्या है अलग ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ऑर्सैक पे और अपने जेड ड्रैगन पे ध्यान दे लेते हैं। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, मैंने बता दिया मैं नेक्स्ट एपिसोड किस पे लेके आऊंगा और गाइस किसकी पावर कैसी है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो शेयर किया करो। तो फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर फटाफट यार ऑर्सैक को मारते हैं, उसके बाद में चलते हैं अपने ब्रीडिंग फार्म पे। तो लगभग ऑर्सैक मर चुका है एंड फाइनली गाइस ऑर्सैक को हमने मार दिया गाइस, जो कि 130,000 एचपी थी इसकी। एंड हमारे लेवल अप भी हो गए हैं भाई सब, लगभग 40-40 लेवल के, मतलब 49 लेवल के हो गए हमारे पोकेबॉल्स। एंड खाना वाना खिलाते हैं गाइस, अपने चलते हैं बेस पे एंड लेट्स सी देखते हैं कितनी ब्रीडिंग हो चुकी है हमारे दोनों बेसों पे। ये हमारा गाइस दूसरा बेस है एंड दूसरे बेस पे गाइस यहाँ पर भी हमने लगभग सारे मतलब अंडे इंक्यूबेशन पे डाल दिए। एंड गाइस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा इंक्यूबेटर हैं जो मेन बेस के मुकाबले, मेन बेस पे यार पता नहीं क्या हो रहा था ज़्यादा बन ही रहे थे, तो मैंने दूसरे बेस पे बनाया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन गए। यहाँ पर लगभग 50-60 के आसपास होंगे सारे इंक्यूबेटर एंड सब में हम अंडे डाल दे रहे हैं गाइस, क्योंकि हमको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। एंड जैसे ही भाई साहब ये अंडे निकालने के लिए सारे फुल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करके मतलब हैच करेंगे एंड अपनी आर्मी देखेंगे। और भाई साहब मैं चाहता हूँ यार कुछ ताकतवर भी मेरे को जेट ड्रैगन मिल जाए, जिससे कि यार मैं उनका लेवल अप करके भाई साहब बेलादे और लिब्रो की हालत ख़राब कर सकूं। इंक्यूबेशन चालू ख़त्म कर देते हैं गाइस, लगभग हम आ रहे जो हैं सारे अंडे हमने निकाल दिए। एंड गाइस लेजेंड एंड डिवाइन ड्रैगन भाई ये तो ताकतवर है, मैं चाहता हूँ गाइस खूब पावरफुल एक आध दो तो ऐसा निकले गाइस मतलब जिसके अंदर सारी महाशक्तियाँ हों भाई साहब। फिलहाल के लिए यार मैंने अपना एक मेन पोकेमोन तो रख ही लिया है एंड बूम गाइस यार हमारे जो है अंडे भाई साहब लगातार हमारे ड्रैगन निकले पड़े हैं। एंड भाई साहब इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की गाइस यार, समझ सकते हो ना कितने भाई साहब केक बनाना पड़ते हैं, कितनी देर में ब्रीडिंग हुई होगी 60-70 अंडों की, आप इमेजिन कर लो। एक अंडे को ब्रीड होने में समथिंग लगते हैं 15 मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं, मुझे श्योर नहीं हो, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड गाइस आप लोग भी बताओ यार किसकी, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि शैडो बीक की आर्मी बनाओ, लेकिन यार गाइस शैडो बीक ताकतवर है लेकिन जो उसका अटैक है ना वो बहुत स्लो है यार, कितनी देर में तो सामने वाला पेल के निकल जाएगा जब तक शैडो बीक हमला करेगा। और शैडो बीक का सबसे पावरफुल एक ही अटैक है जिसमें से भाई साहब बहुत सारे गोले निकलते हैं, फिर गोले वो मिसाइल की तरह उनमें से आग निकल के लगती है, बस एक वही अटैक है वो भी बहुत लेट मारता है बहुत लेट। तो यार शैडो बीक का जो अटैक है यार भाई इतना फास्ट नहीं है, कोई ऐसा बताओ जो जिसका अटैक फास्ट हो खतरनाक भी हो। एंड गाइस और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोगों को पता है कि पाल बेस में यार गाइस मतलब पाल बॉक्स में कैसे क्वांटिटी बढ़ाएं अपने पाल को रखने की, यार मेरे को पता नहीं है, आइडिया नहीं है, थोड़ा सा बताओ क्योंकि यार भर जाता है बार बार, तो भाई मेरे को या तो निकालना पड़ता है या कंबाइन करना पड़ते हैं, अच्छे अच्छे पोकेमोन भी मुझे कई बार छोड़ना पड़ जाते हैं। तो भाई रेडी हो चुका है एंड गाइस अब एक काम करते हैं बॉस पोकेमोन जो है अपने पास रख लेते हैं, किधर गया ये रहा हाँ यही वाला है, इसको अपने पास रख लेते हैं। एंड गाइस अब बारी है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, जो बेकार मतलब बोलो तो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनको कर देंगे कंबाइंड अपने मेन बॉस के साथ। अब मतलब इसका लेवल 3 होने वाला है, लेवल 2 तो कर दिया था मैंने पहले ही बताया लोगों को। एंड गाइस ये रहा लेवल 2 को रखो गाइस हो चुका है इसका, एंड इसकी मैंने फुल मैक्स कर दिया भाई साहब पाल सोल से। एंड बारी थी अब स्टार बढ़ाने की, तो स्टार बढ़ाते हैं, इसको छोड़ो इसको ले लो
इसको इसको तो छोड़ ही दो, डिवाइन है भाई, इसको तो लेंगे, इसको ले लो, जो मतलब यार कमज़ोर कमज़ोर है ना, मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ। एंड जो पावरफुल है गाइस, मैं सिर्फ उन्हीं को लूँगा, मतलब सॉरी कमज़ोर कमज़ोर है उनको ले ले रहा हूँ, पावरफुल को छोड़ दे रहा हूँ, पावरफुल का मैं लेवल अप कराऊंगा। एंड गाइस सही बता रहा हूँ, जो बेलन और लिवरो को तो मार सकते हैं ना भाई, जब फ्लाइंग पोकेमोन है, डार्क टाइप है, वो सिर्फ यही टक्कर दे सकते हैं। हालांकि फ्रॉस्ट चैलेंज बहुत पावरफुल अगेंस्ट बेलानी, और लेकिन वही बात है, वो फ्लाइंग टाइप हो जाती है, तो इसके चलते यार कई बेचारे के फ्रॉस्ट चैलेंज के विंग्स नहीं लग पाते हैं, मतलब आइस ब्रीथ बहुत सी चीज़ें उसके अटैक है मिस जाते हैं। एंड गाइस जेट ड्रैगन का एक भी अटैक मिस नहीं होता है, और लास्ट टाइम हमने जो है अभी कल परसों वाले एपिसोड में गाइस हमने देखा था, डाला था मैंने एपिसोड, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने लगभग मार दिया था बेलानी और लिब्रो को, हमने लगभग मार दिया था। एंड गाइस यार सबसे बड़ी दिक्कत है, बेलन और लिब्रो के ना पत्थर ढूंढने में बहुत वक्त जाता है। फिलहाल के लिए मैंने एक पत्थर ढूंढ कर रख लिया है, बाकी के और डंजन्स ढूंढना पड़ेंगे। एक तो डंजन इतने भूलभुलिए होते हैं गाइस, लिटरली भाई सर चकरा रहता है, एक बार अगर हो भी जाओगे ना दोबारा जाओगे फिर भूल जाओगे जाना कहा था। फिलहाल बातें तो बहुत करते रहेंगे, यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। एंड गाइस दो पोकेमोन और मतलब दो जेट ड्रैगन और, एंड उसके बाद भाई साहब लेट्स गो एंड बूम गाइस, अपना भाई साहब आर्मी जो है सेक्रीफाइस तो कर दी हमने 32, लेकिन अब 64 लगेंगे स्टार 4 करने में, तो वो भी करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले एक बार अपने पोकेमोन का यार देखते लें कैसा भाई, ये देखो कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ है, डार्क टाइप का है ना आप लोग देख सकते हो, एंड बस थोड़ी सी एचपी बढ़ी है, थोड़ा सा इसका पावर रेट बढ़ा है बस, और कुछ नहीं। और चल के गाइस एक बार इसको देख लेते हैं गाइस, मतलब सिंडिकेट टावर में भिड़ा करके कितनी देर में ये मार पा रहा है अकेला। हमेशा की तरह गाइस हम जो पहला जो फाइट लेंगे बोलेंगे भाई साहब ग्रीज बोल्ट से। एंड गाइस जो ग्रीज बोल्ट को मारने का रिकॉर्ड है वो फ्रॉस्टिलियन का है भाई साहब, 12 सेकंड में फ्रॉस्टिलियन ने मार दिया था ग्रीज बोल्ट को। एंड गाइस जेट ड्रैगन कितनी देर में मार पाता है भाई, हमको यहाँ पर बस देखना है। हम नहीं मारेंगे बिल्कुल गाइस, हम ग्रीज बोल्ट को छुएंगे भी नहीं, 9 सेकंड हो चुके हैं, बीम कॉमेट मारी इसने, अरे भाई लगभग खत्म 14 सेकंड में गाइस, मतलब यहाँ पर अभी फ्रॉस्टिलियन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया जेट ड्रैगन। मैंने बोला ना फ्रॉस्टिलियन अलग ही है भाई साहब, फ्रॉस्टिलियन ग्राउंड टाइप मतलब जमीन पे चलने वाला कोई भी पोकेमोन हो उसकी तो भाई ऐसी तैसी कर देता है। एंड गाइस भाई जब हमने इसको मार दिया एक बार चल के भाई साहब, और थोड़ा ताकतवर पोकेमोन जैसे कि भाई मेमोरो से पंगा लेके देख लेते हैं। ओ भाई साहब दो दो हाथी भाई साहब बढ़ते उस लेवल के, वो भी दो दो हाथी भाई भाई मार 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 भाई भाई डैमेज दे रहा भाई भाई, मार तो सही रहा यार, मार सही रहा, मारने में कोई कमी नहीं है। हमारा टारगेट है बस इनको मरने भी नहीं देना गाइस, इनको पकड़ना भी है भाई। ये अटैक मुझे बहुत पसंद है यार, ये वाला भाई भाई मिसाइलें 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 मिसाइलें, हाथी इतना भारी भाई लोटपुट कर दिया इसने। एक हाथी तो भाई साहब मुँह में होगी लगभग हाफ एच पी ले ली हमने, दूसरा भी 10% लगभग डैमेज है। कहाँ मार रहा है भाई, कहाँ मार रहा है, बच्चों को मारने पहुँच गया देख रहे हो, मतलब यार जेट ड्रैगन पगले है, इधर मार भाई हाथी को। एक हाथी लगभग ख़त्म है, इसको पकड़ लेते हैं गाइस। मैंने एक होम लॉन्चर बताया था आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, बस चला दो भाई ऑटोमेटिकली वो लग जाता था जाकर, लेकिन वो थोड़ा डिले था इसके चक्कर से मैंने हटा दिया, मतलब लगता तो बहुत फास्ट था लेकिन तुरंत हमें चाहिए तुरंत ऑन द स्पॉट, लेकिन वो पहले ऊपर जाता था फिर नीचे एकदम लगता था, लेकिन कहीं भी चलाओ लगता टारगेट पे था, मिस नहीं होती थी उसमें बॉल, ये अच्छी बात थी, लेकिन वक्त लगता था 1-2 सेकंड डिले। इसको पकड़ो वरना पेल देगा भाई इसको, तो भाई गीगा स्पेयर फेंक रहा हूँ, आ जाना, क्या चाहता है, मेगा में हाइपर में आएगा क्या बेटे, मर जाएगा क्या हाथी, मर जाएगा, आ जाएगा, चलिए हाथी तो आ गया अपना, हाथी एक हाथी आ गया, ये भी आ जाएगा भाई, आ जाएगा, अगर ये नहीं आया तो मार देगा इसको भाई, आ जा बेटा आ जा, नखरे नहीं कर, आ जाएगा, एक तो पकड़ लिया, सलाह नहीं आएगा भाई नल्ला, आ जा भाई वरना मार देगा यार भाई, मार देगा मेरा पोकेमोन भाई, आ जा भाई, एक टाइम हाथी था भाई 40 लेवल तक भाई साहब, मेरा हाथी मेरा साथी था भाई 40 लेवल तक मैंने हाथी रखा है अपने साथ, 40-45 लेवल तक भाई, इसने मेरे जितने भी बॉस पोकेमोन है नॉर्मल से भाई 30-40 लेवल वाले ऐसे हाथी ने पकड़वाए हैं भाई, मैं कह सकता हूँ ये अपने अपनी लेवल पे गॉड है भाई, इसके 38 लेवल पे इससे कोई नहीं मार सकता भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गॉड है भाई ये, बहुत ताकतवर है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज का अपना एपिसोड यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक और न्यू एपिसोड के साथ, और गाइस कुछ न्यू के नए वीडियो के साथ, नए ताबड़तोड़ एपिसोड के साथ, तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बखैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।